राजीव इज इन द जेल. जेल में राजीव परी को बुलाता है और बोलता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें डेजर्ट कर दिया, मुझे पता नहीं था कि क्या ये मैरिज क्या होता है. लेकिन माँ तब लड़की को मैरिज, लड़की का मैरिज तब हो जाता है, माँ लड़की तब बनती है जब पेट में बच्चा होता है, लेकिन बाप तब बनता है जब 9 महीने के बाद बच्चा बाहर आ जाता है. तो मुझे मैरिज का जो मीनिंग है ना, वो अभी जेल में मुझे समझ में आ गया है. प्लीज टेक मी आउट ऑफ द जेल एंड कितने देन. सारे हस्बैंड्स को जेल भेजना पड़ेगा, ये समझ में तब आएगा। एंड परी गिव्स हिम एन अपॉर्चुनिटी. सो परी बिलीव्स इन रिफॉर्मेटिव जस्टिस. शी थिंक्स दैट ही हैज रिफॉर्म्ड एंड ही कम्स आउट, बट अगेन डज द सेम थिंग एंड ही गोज बैक अगेन बिकॉज ही इज नेवर रिफॉर्म्ड. ही जस्ट वॉन्टेड टू कम आउट इन द स्टोरी. सो इन्होंने राइट आज के न्यूज़ की जैसे बात की है, 4 दिन पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और मैंने ये देखा, टीवी में भी देखा, कि एक लड़की जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी किसी कॉलेज में, थोड़ा सा हरास हो गई और उसने सुसाइड कर ली. सर मैडम, वो जावेद आपने जी, थोड़ा सा कैसे कह दिया? हाउ डू यू डिसाइड थोड़ा सा? क्योंकि यू नेवर अगर वो नो। लड़की ये सोचती कि मैं हरास, शी गॉट नहीं, सुसाइड हरास्ट. जो है वो तो एक डिजायरेबल एक्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। और अब वो तो मर गई, वो मर लेकिन गई. जो लोगों ने उसको यहाँ तक इस ब्रिंक तक पहुँचाया, बिकॉज यू कैन हैरेस एनीबॉडी टू एनी एक्सटेंट, तो वो मालूम नहीं वो एक्सटेंट क्या था और उन्होंने क्या क्या किया, दैट शुड बी इंक्वायर्ड इनटू। लेकिन जावेद जी, आगे जाके आज मैं कितने भी लेवल तक हरास हो जाऊं, ये मेरे हाथ में है, ये मेरे दिमाग में है कि मुझे क्या करना है. अगर मैं सुसाइड ही करूं, मेरी परी के साथ तो बहुत कुछ हो गया, लेकिन उसने नहीं की सुसाइड. एंड लेट मी टेल यू, दिस बुक इज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाई ट्रू ट्रू स्टोरी. सो यू नो, मेरी तो इतनी ही तमन्ना है कि हर एक लड़की या कोई लड़का भी इस बुक को पढ़े और कोई सुसाइड ना करे मेरे सोसाइटी में, जस्ट बिकॉज शी गेट्स हरास्ड और शी गेट्स सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस और शी गेट्स समथिंग, हर ड्रीम्स आर कोलैप्सिंग. तो उस हद तक ना सोचे, क्योंकि वो दिमाग में होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या अस्तित्व यही है. क्या मेरी सब कुछ चला गया, 4 लड़कों ने आके कुछ कर दिया, आज मैं यहाँ से जाके, मैं बाहर जाके, मेरे पति आए हैं मेरे साथ, सभी लोग हैं मेरे साथ, बहुत वाहवाही हो रही है, कल मेरे साथ ये हो नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगी? मैं विक्टिम रहूँगी या मैं सर्वाइवर बनूंगी? ये जर्नी पहले मुझे मेरे अंदर डिसाइड करनी है, उसके बाद आप लोग मुझे कैसे एक्सेप्ट करूंगे ये बात की बात है. पहले मैं खुद को, हाउ आई एम गोइंग टू डील विथ माई ओन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. सो आई जस्ट वॉन्ट कि ये बुक पढ़ने के बाद ये कभी ना मैं पढ़ूँ कि किसी ने कुछ लाइक यू नो, आई डोंट वॉन्ट गर्ल्स टू कमिट सुसाइड. ये लाइक लेट मी कीप इट क्वाइट इंफॉर्मेटिव. I'll just tell you about my protagonist Pari. So what is all about Pari's journey from turmoil to transformation, from turbulence to trophies? So what in so what Pari is a victim, and it's a journey of Pari as a victim to survivor. मेरी परी जो है इस बुक की प्रोटैगनिस्ट, शी इज़ अ गर्ल हु इज़ क्वाइट ब्राइट, हु इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट. सो हर फादर गिव्स हर द ड्रीम टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट. आफ्टर गिविंग द ड्रीम, नाउ देर इज़ अ डायलमा व्हेन शी अटेन्स मैरिटेबल एज, एंड दैट टाइम पेरेंट्स आर नॉट रियली सपोर्टिंग, दे वॉन्ट हर टू गेट मैरिड. एंड दैट इज़ नॉट द स्टोरी ऑफ परी, दैट इज स्टोरी ऑफ एवरी गर्ल, ऑफ एवरी इंडियन गर्ल. तो वॉट परी डज इज क्वाइट यूनिक. परी इज क्वाइट अ इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर. शी लीव्स होम, शी लीव्स द कम्फर्ट ऑफ होम, शी गोज आउट, शी अचीव्स हर ड्रीम एंड शी कम बैक्स टू हर होम. देर आफ्टर परी गोज टू अकेडमी फॉर हर ट्रेनिंग एज अ ब्यूरोक्रेट. देर शी मैरीज अ पर्सन ऑफ हर ओन चॉइस. नाउ परी बींग क्वाइट इंडिपेंडेंट, शी प्रपोजेस हिम ऑल आउट एंड देन शी वेट्स फॉर हिज रिप्लाई एंड देन ही एक्सेप्ट्स हर प्रपोजल. After that, she gets subjected, she gets married to him with the approval of everyone. She gets subjected to domestic violence, which is not expected.
in being a bureaucrat, two bureaucrats. But now what Pari does, now another dilemma which she faces. So but the upbringing of Pari is that, you know, izzat, ghar ki izzat. Ghar ki izzat shadi bachane mein hoti hai. To shadi ko todna hai ya shadi ko bachana hai? Agar Pari jaake complain karti hai, tab to shadi toot jayegi. Shadi hi nahi toot jayegi, ghar ki izzat puri nilam ho jayegi. To ye sab to kar nahi sakte, kyunki aurat ki izzat to kaach ki tarah hoti hai, aise sikhaya jata hai. Aur wo kaach ek bar toot jati hai to toot jati hai, usko fir se jod nahi sakte. Is upbringing se Pari aayi hai, how then what kind of decision she will take? Pari further goes and takes a decision to fight it out. She lodges a complaint. But what more than legal case, what Pari is more struggling with is how to handle loneliness. He's not a good father, not a good husband, not a good son, not a good brother. If he is not trying to see that you don't flourish, that man is your enemy. He's not your savior. Look at this. They say women don't have logical mind, which is not true. Women cannot calculate. Women cannot be scientific temperament, can't have scientific temperament because they are too emotional and so on and so forth. We will talk about it later. Because I don't agree with that, but we'll have deal with it. So at least you accept that women have sense of color. Women have sense of music. If this is true, I'm talking of the minimum now. Why there are no great painters in so many centuries, like Rembrandt, like Picasso? Why? Because you did not let them do it. Not because they did not have talent. Why there is no woman Bach or Beethoven or Mozart? She has sense of music. Most of the folk songs in the world are made by women. They are inborn musicians. But why we don't have Bach and Beethoven? Why all of them are men? Because you did not allow them to flourish and to grow. Kind of inferiority complex men have, that they get scared of a talented woman. It's their problem. It's their low self-esteem that they get threatened. This has to change. Divorce is not a good thing.